रुबीना जी बाहर आ गई, थोड़ा सा एक से बाहर सेंटर रुबीना जी इधर आपके लेफ्ट में अभिनव सर साथ में एक मिनट रुकिए रुकिए थोड़ा आगे जी उमर यस का जो फेयर हुआ है अनफेयर था जो डिसीजन उनके ऊपर जो था देखिए हमने ऑनेस्टली नहीं देखा है तो अभी उस पर टिप्पणी करना है सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है फेयर क्या यार देखो जी 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 सर टेस्टेड से वो तो उनको पता है वो सोच के जाते हैं मेंटली प्रिपेयर होके कि ये शो है कोई भी कभी भी इविक्ट हो सकते हैं लेकिन इट्स अनफेयर फॉर द फैंस एंड द पब्लिक जो उनको उम्मीद से देख रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं अपना काम छोड़ के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के लोग अपना काम छोड़ के उनको दे आर रूटिंग फॉर दैम एंड दे डोंट हैव पावर टू सेव तो उनके लिए थोड़ा अनफेयर है बट यार लाइफ इज लाइक दैट मैम आप भी जैसे कि विनर है वो बहुत शौक है अगर टॉप फाइव की बात करें तो टॉप फाइव आप किसे देख रहे हैं जनता जनार्दन है वो डेफिनेटली डिसाइड करेगी कि कौन विनर होना चाहिए सो टू ऑल द कंटेस्टेंट्स प्लीज बी ऑनेस्ट एंड हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड बिकॉज़ दैट्स व्हाट इज गोइंग टू विन द गेम ज्यादा देर राखी के बारे में कुछ कह दें अगर आप थैंक यू उमर रियाज पे मैम कुछ बोल दीजिए उधर ऑडियो सही नहीं आया प्लीज मैम प्लीज मैम जैसे कहा कि आई एम एक्चुअली नॉट बीन एबल टू फॉलो द शो सो इसलिए मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी जी मैम बट जैसे अभिनव ने कहा जनता के लिए इविक्शन अनफेयर है बिकॉज वो लोग अपनी पूरी जी जान मेहनत वोटिंग में लगा लेते हैं अपने लिए एक हीरो ढूंढने में लगा लेते हैं और अगर जनता की वोट के बिना कोई इविक्ट हो जाता है वोट के पास सो आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर फॉर द ऑडियंस बट एवरीबडी हैज देयर जर्नी एंड एवरीबडी has their own way of living up to it. So, जो भी है जनता जनार्दन है, they will decide their own. So thank you. Thank you. Bye bye. अरे you came out. Sorry. Yes. Thank you. Bye bye. Thank you.